वेलकम न्यूज़ टाइम दुबई। इस वक्त मेरे साथ अमन सिंह हैं, कास्टिंग डायरेक्टर भी हैं और माशाल्लाह एक्टर भी हैं, बहुत सारी मूवीज़ की प्रोडक्शन भी कर चुके हैं। आज ILT20 में ज़बरदस्त जो है VIP गेस्ट भी हैं और स्पॉन्सर भी करने जा रहे हैं कुछ। आइए इनसे बात करते हैं ILT20 पे। जी अमन, कैसे हो? बस बढ़िया सर जी, आप सुनाएं। सबसे पहले तो बहुत टाइम के बाद। बिल्कुल बिल्कुल। और एक और चीज़ मैं बता दूँ ऑन कैमरा कि अमन सिंह वो मेरा वो पुराना दोस्त है जिसने मुझे, ये कास्टिंग डायरेक्टर भी हैं और इन्होंने मुझे बोला कि आप पाजी ये काम करें, प्रोडक्शन छोड़ दें। तो अंसर अकरम ने जब ये काम किया तो आप सबको पता है कि अंसर अकरम किस लेवल पे हैं और किस तरह से इंटरव्यू लेता है। जी अमन जी, आपको मैंने खराज तहसीन उर्दू में हम बोलते हैं कि आपको क्रेडिट गोज टू अमन सिंह कर दिया। थैंक यू सो मच जी। मैंने इनको बोला था कि हम एक म्यूजिक वीडियो बना रहे थे, तो मैंने इनको बोला कि ये बिल्कुल सूट बूट में आए थे म्यूजिक वीडियो करते हुए, प्रोडक्शन करते हुए। मैंने बोला आप ये काम मत करिए, आप अपना कुछ अलग काम करिए, क्योंकि ये फेसबुक पे उस टाइम पे कुछ वीडियो डालते थे। तो मैंने बोला आप ये काम बिल्कुल मत करिए, आप कुछ बोलने का काम करिए। और फिर आज देखो, आज मेरे को बोलना पड़ता है कि हमारा इंटरव्यू ले लो। ये कास्टिंग डायरेक्टर थे, कास्टिंग डायरेक्टर की ओपिनियन ऑब्जर्वेशन और उसका जो बैरामीटर है वो बड़ा जबरदस्त होता है। तो अमन, फिर हम क्रिकेट पे बात कर लें। मुझे ये बताएं कि ILT20 बहुत फेमस है, पहला एडिशन हो चुका है, सेकंड होने जा रहा है जैन को, इससे पहले डोमेस्टिक हो रहा है, तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। तो एक्चुअली तो मैं तो बहुत बड़ा फैन हूँ क्रिकेट का, बहुत फॉलो करता हूँ अपना इंडियन प्रीमियर लीग हो गया, ये भी मोस्टली सेम लीग है। आप अगर देखो तो मोस्टली नाइट राइडर्स है इसमें, अबू धाबी नाइट राइडर्स, एमिरेट्स, मोस्टली ये IPL का ही एक वर्जन है दुबई का। बिल्कुल ऐसे ही है। और आई थिंक सो इट विल गो वेरी फार, एंड आई होप इंडियन क्रिकेटर्स भी इसमें शुरू हो जाए आने। फिलहाल तो फर्स्ट में तो नहीं थे, सेकेंड या थर्ड में आई होपफुली कि कोई आए यहाँ पे, ताकि हमें भी दुबई के रेजिडेंट को भी देखने का मौका मिले उन लोगों को। एंड होपफुली इट विल गो वेरी फार, एंड दैट व्हाट आई, बेस्ट ऑफ लक फॉर दैट। एंड हाँ जी, अगला क्वेश्चन भाजी, क्रिकेट में बड़ी दिलचस्पी जिस तरह की पर्सनैलिटी है, मैंने आपको उस वक्त मैंने भी बोला था यार, कुछ मेरी भी अपनी भी कुछ ओपिनियन थी कि आप माशाल्लाह जिस तरह की आपकी डैशिंग पर्सनैलिटी है, आप प्रोडक्शन ना करें, कुछ गाना करें। नहीं नहीं, बिल्कुल, तो आपने किया कुछ? नहीं, एक्चुअली अभी एक हमारी छोटी फिल्म आई है, मैंने 2-3 मूवीज में शॉर्ट फिल्म में करा, खुद ही हमने प्रोडक्शन करी है, होम प्रोडक्शन मूवीज है, एंड हमारी कंपनी का नाम है फिनिक्स फिल्म्स। सो उसके अंडर हमारी 2-3 मूवीज आई हैं। अभी रिसेंटली ही मैंने एक मूवी में एक्टिंग करी है, बट मेरी थोड़ी पर्सनालिटी विलन वाली है, तो मैंने विलन का रोल करा है। एंड होपफुली आगे मैं शायद अपना एक गाना भी निकाल लूंगा। अगर आप डॉली बिंद्रा के साथ नाचते रहेंगे तो फिर वाकई आप नेगेटिव कैरेक्टर पे आएंगे। नहीं नहीं नहीं, डॉली जी बहुत अच्छी हैं और हमारा बहुत प्यार है उनके साथ भी, और डॉली जी मेरे साथ उनका बड़ा जबरदस्त प्यार भी है और बड़ी वो मुझे बड़े अच्छे तरीके से जानती है। डॉली जी बहुत बहुत अच्छी हैं, एंड होपफुली वो भी काफ़ी क्रिकेट में दिलचस्पी रखती हैं, एंड होपफुली वो भी आएंगे, एंड आई होपफुली कि हम देखें कैसा चलता है ILT लीग। एंड हाँ, बस न्यूज़ टाइम के लिए क्या कहना चाहते हैं? बेस्ट ऑफ लक, आप एक बहुत बेहतरीन चैनल बने, एंड आपका अपना एक स्टूडियो हो, मैं देखता हूँ आपको, एंड पाकिस्तान में हो, दुबई में हो, शारजा में हो, आपका हर जगह पे एक ऑफिस हो, और आप फिनिक्स फिल्म को हायर करें ताकि हम आपकी सारी वीडियोज़ की प्रोडक्शन हम करें, इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच जी। ये मेरे साथ थे अमन सिंह। थैंक यू, आपने इनकी बातें सुनी, क्योंकि हमने क्योंकि क्रिकेट पे बात करनी थी और बात किसी और जानब निकल गई, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से बड़े एक्साइटेड थे, बहुत सारी बातें करना चाहते थे, तो आज मौका मिल गया काफ़ी देर बाद कि हम अपने दिल की बातें करें। इनके लिए ये नहीं मैं कहूँगा कि मैंने खोजा इनको, ये मेरे दिल में ही रहते हैं, और अमन सिंह वो दोस्त है जो मेरा पुराना, मेरा पास्ट है, तो फिर हम कभी कुछ अच्छे कंटेंट पे काम करेंगे। तो मुझे और अमन सिंह को इजाज़त दें। थैंक यू सो मच, खुदा हाफिज़।